Hey guys, welcome back to the vlog. तो ये vlog थोड़ा सा special है, इसमें हम प्यू का face reveal कर रहे हैं कि आज प्यू हो चुके 40 days. तो वादे के मुताबिक video के end में मैंने एक छोटी सी compilation रखी है प्यू की और उसकी journey 40 days की. Hope you enjoy and let's begin. इतने प्यारे बाल लग रहे हैं. Good morning Rashi. रात को उतना समझ नहीं आया, बट ये देखो भाई, ओहो कबूतरों ने क्या हाल कर दिया. इतना पॉटी करते कबूतर यार. What's up guys? Good morning from Delhi. यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा लखनऊ के मुकाबले, यहाँ गले में भी थोड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा लखनऊ के मुकाबले. और ठंड का फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि इस घर में डायरेक्ट धूप कम आती है. लखनऊ वाले घर में हर कमर में डायरेक्ट धूप आती थी ना, तो ठंड फील नहीं होती थी. ऋषि ये मानिया के लिए लाए ना आप, तो आप क्यों खोल रहे हो भाई? और बेटा उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. उल्टा ऋषि दीदी बहुत प्यारी लग रही है आज. पहाड़ी लग रही है. चैत्रवी कायरवी क्या दिखा रही हो? देखो चैत्रवी दीदी ने कैसे अपना घोड़ा चढ़ाया. देखो देखो देखो. आराम से रशु दे दो गोली. आपकी छोटी सिस्टर तो तुम्हारी है, तुम्हें ध्यान रखना है उसका. तुम ही उसकी छोटी मम्मा हो, मैं उसकी बड़ी मम्मा, आप उसकी छोटी मम्मा. ठीक है. ये रहा हमारा जिम जो कि इनकम्प्लीट ही रह गया, बट फ्री वेट्स है यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं. बट यहाँ पे दिक्कत क्या, बगल में इस तरफ 10 कदम पे यहाँ जिम है, 10 कदम पे यहाँ जिम है. यहाँ मेरी चल रही एडिटिंग, यहाँ मेरा चल रहा ब्रेकफास्ट, यहाँ चल रही है मान्या की ऑनलाइन क्लास, और यहाँ चल रहे ऋषि के नखरे. मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट एवोकाडो गोहमोल प्लस एग. वेलकम बैक टू आवर ओल्ड ऑफिस. ओहो थोड़ा सा गंदा है, बट काम यहीं पे करेंगे क्योंकि नीचे बच्चा पार्टी इतना हल्ला मचा रहे ना भाई. ऋषि की फ्रेंड आ गई है मान्या, तो वो अभी पढ़ाई भी नहीं कर रही, स्कूल भी नहीं कर रही, वो खेल रही मान्या के साथ. थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है जो मैं दोबारा करूँगा, इस वाले घर में, दिल्ली वाले घर में देखिए प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिए आना. थोड़ा सा मतलब फोटो वोटो मिलते हैं बाहर तो खींचा लिया करो, बट घर पे थोड़ा सा कंसिडरेशन, हल्का सा एक दो साल करे तो भी. जैसे गाड़ी में थी, छोटा बेबी है तो वो उसको हर जगह फीड करना पड़ता है. तो मतलब कुछ लोग थे कि वो फीड कर रही है फिर भी मैम फोटो फोटो फोटो, तो थोड़ा सा टाइम एंड प्लेस देख के यार समझदार हो. ठीक है वाली पेंडी दे रहा हूँ मैं. ठीक है तो मेरा शूट है परसों, तो मैं स्टाइलिस्ट आया हुआ जिंदगी में पहली बार, तो उनको ये मैं दे रहा हूँ ये वाली, इसी की फिटिंग की बना देगा. ये जुराब ने तूने कर फाड़ दी मेरी. एक ही जुराब बची थी, एक ही जुराब थी फाड़ दी तूने, वो भी मेरी. पता कैसे फटी? कैसे? जब रात को सोया था मैं तेरे को गर्म तेल नहीं लगाने आया था. हाँ तू चाहे मेरे को रात को तेल क्यों, तू डर को प्यार करता हूँ यार बेचारे में सोया, मेरे को ठंड में तू ठंड लग रही है, मेरे को तेल लगा रही बेचारे में, पता चल गया था नींद खराब कर दी मेरे को. वो था तो तेरी नींद खराब ना हो जाए, बट बीमारों को पक्का जान बीमार होगा. मैं लगा रहा था, मैंने वो गरम तेल की कटोरी तेरी चौक से पकड़ी. अरे राम चौक से कौन पकड़ता है, नायलॉन होता पागल. मेरी जिंदगी होता है प्रॉब्लम क्या चल रही है. मैं एक काम कर रहा हूँ, एक काम करते करते ऐसे मैंने वो पासपोर्ट की एप्लीकेशन भरनी है मुझे, उसके लिए मुझे एक अपनी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, वो करता हूँ. फिर एक व्हाट्सएप आ गया कि वो मेरे को भेज देना एक लिंक, फिर वो लिंक खोलने के लिए मुझे अपनी ईमेल खोलनी पड़ेगी, फिर ईमेल खोलूंगा तो टॉप में एक दूसरी ईमेल दिख जाएगी किसी ब्रांड का काम आया हुआ है, फिर कुछ और ब्रांड का जब काम खोलूंगा तो वो बोलेगा कि अरे आपने तो पीछे इनवॉइस ही रेज नहीं की, फिर मैं इनवॉइस देने दूसरे फोल्डर में जाऊँ. भाई मैंने लैपटॉप किस लिए खोला था और वो पहला काम क्या था वो भूल जाता हूँ. फिर लैपटॉप बंद करके आराम से सो गए, फिर शाम को ध्यान आया अभी यार वो काम नहीं हुआ, चक्कर क्या है. पता नहीं आप लोग ज़्यादा ऐसा होता कि नहीं, बट मेरी लाइफ में पिछले एक दो साल से बहुत हो रहा है. मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या ज़्यादा काम हो गया है, ये दिमाग खराब हो रहा है पता नहीं. बच्चों का तो जाओ तो बता देना ताला लगा के, ऐसी बात है. तुम दोनों बच्चे सुबह से क्या कर रहे हो भाई? कौन सा गेम है ये? देख ऋषि को. तो मेरे लिए पीयू की ड्यूटी और मम्मा बना रही है बच्चों का खाना हमारा. मैंने तुमसे बाहर से मंगा लिया भाई. पीयू का क्या है, इसको कंधे पे ही नींद आती, जैसे इसको लेटाऊंगा ना वह 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 क्या अच्छा है देखो क्या बहुत अच्छा है इसमें. अच्छा ये और ये डोर बंद कर दो, देखो बाहर से कितनी गंदगी आती है. देखो मैं घर इवनिंग सो गए, आज प्लान था नहा के मॉल जाएंगे क्योंकि मेरे को शूटिंग करना, शॉपिंग करनी थी. क्या कि यहाँ पे मैनेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये घर फुल रनिंग नहीं है, अकेले आओ तो चलो ठीक है क्योंकि लेकिन बच्चों के साथ रिलाइज होने काफी दिक्कत है. ये चाय यहाँ मिल रहा है रित्तू का दलिया, और कूटना है इसको तो वो कूटने वाला नहीं, तो मतलब ऐसे मतलब लगा क्या फालतू रो रहे से हो जाएगा, बट क्या मतलब समझ जाओ यार, मतलब इट इज लाइक हद हो जाती है यार. कुकर है लेकिन इसका ढक्कन नहीं है, दलिया कुकर नहीं बन सकता, तो ऐसे बनेगा, तो मतलब दिक्कत ही दिक्कत है लाइफ में.
मजा नहीं है, मतलब गोदी में, मम्मा की गोदी में छोटू, बाबा मेरी गोदी में, है ना। ठीक है, हमने सारे बैग इस रूम में रख दिए, पूरा घर साफ रहेगा, कोई कचरा नहीं, जो कचरा फैलाना है इस रूम में फैला। ठंड जबरदस्त हो चुकी है यहाँ से, और जिम से निकलने के बाद पसीना आता है, ठंड उसी समय पकड़ती है भाई। फ्रॉम द जिम अभी पियेंगे अपना प्रोटीन शेक और अपना मील भी आ गया, मील में बाहर से मंगा रहा हूँ चिकन एंड राइस। आज यार जाना था मॉल बट नहीं जा पाए, सॉरी। डेली लॉग में ऐसे होता है, रियल लाइफ इज प्लान गेट्स कैंसिल, कभी नहीं होता, किसी दिन कुछ नहीं होता, किसी दिन बहुत काम होता है। इससे बड़ा पोपट हुआ आज पीहू का कल पासपोर्ट अपॉइंटमेंट था, उसका पासपोर्ट बनाना क्योंकि हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं बाहर की। उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए भाई साहब, बर्थ सर्टिफिकेट मेरा नाम ही गलत लिखा, हमारी भी गलती, हमने वहाँ चेक नहीं कर लेते हुए। तो रितु का नाम लिखा है रितु राठी तनेजा, विच इज़ करेक्ट, मेरा नाम लिखा है गौरव राठी तनेजा। अब वो लखनऊ से चेंज होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लखनऊ से यहाँ कैसे आएगा, यहाँ पर री अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अब वो काम कैसे होगा, एक अलग हेडेक हो चुका है, एक जो काम 2 घंटे का था अब उतना बड़ा हो चुका है। एनीवेज दिस इज़ लाइफ, थिंग्स खराब होती रहती है, ठीक करना पड़ेगा। थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग, अपना ख्याल रखें, हम आपसे मिलेंगे कल, कल बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है क्योंकि कॉलेज पे तो एंट्री हम बाइक से ही मारेंगे। बज रहे 12:30, जोमेटो स्विगी ने धोखा दे दिया, मेरी बीवी सामने आई, हट जा मैं खिलाऊंगी तेरे को, तो मेरे लिए पनीर का पराठा बना रही है। लेकिन मैंने कहा जब से मेरा डीएम सिलेक्शन हो गया मेरे को ज़्यादा सेवा कर रही है, मेरी ऐप से चिढ़ गई है, मेरी ऐप्स को नाम निशान मिटाना चाहती है, इसलिए कहती है खा क्या चाहिए, खा मैं बनाती हूँ। इनसिक्योर तो नहीं फील कर रही, इनसिक्योर नहीं फील कर रहा, लेकिन तू पटा जरूर सकता है। मैं कह रहा हूँ क्या पटाएगा, बच्चे बच्चे आएंगे, बच्चे कहेंगे अंकल ऐप्स अच्छी है, ले अंकल ही मिलेंगे। नहीं तो बच्चे कहेंगे ऐप तो सबकी होती है अंकल, फिर मैं कहूँगा सबकी नहीं होती लक्ष्मण। मैं हूँ ना भाई, हम बहुत मरते थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, गंजी नाम था उसका, गंजी बोलते थे उसको, हम दोनों ने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें हम न्यूज़पेपर की कटिंग लगा के थे शाहरुख खान की। वो स्वेटर अच्छा था ना, आई थिंक आई शो आई शो द गंदा स्वेटर, लुक चेंज किया था, हां लुक चेंज किया था, मैं भी वो स्वेटर ले लेता हूं, तरीके का दिख रहा था, मुझे आ रहे थे यंग भी नहीं, स्टूडेंट स्टूडियस दिख रहा था। मुझे याद आया स्टूडेंट थे, चल बच्चे हैं, प्रोफेसर तो मेरी एज के होंगे, एकदम से याद आया। मैंने कहा हां, मैं सोच रहा था कि शाहरुख खान का कौन था, मतलब ऑपोजिट, मैंने चुपके से वो फैकल्टी ऑफ लॉ पे जाके प्रोफेसर की प्रोफाइल भी चेक की। मैं साड़ी कंपटीशन लगा रहा हूँ, पता लगा मैं गया तो सुष्मिता सेन के पीछे पीछे हिंदी वाली प्रोफेसर लग जाए। अरे सुनते हो जी, अच्छी थी ना वो, क्या नाम था उनका, बिंदु नाम था, अच्छी एक्ट्रेस है वो, सीनियर एक्ट्रेस है काफी। ऑफिस में क्योंकि नीचे वाईफाई का सिग्नल बिल्कुल कैच नहीं करता, यहाँ जो 5 मिनट का काम है वो 5 घंटे में होता है। थैंक यू सो मच। क्या बात कर रही है, किक कर रहा है, तीन बार किक किया, इतनी जल्दी रितु, तो किक नहीं कर रहा होगा, अच्छा वो अपने टोज ऐसे कर रहा होगा, टोज को इंच कर रहा होगा। सो आज 20 तारीख के हम छोटा बेबी है, खुशी खुशी की मम्मा, हेलो मेरी डॉल है, डॉल 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 पैर दिखाओ, पैर पैर दिखाओ, पैर देखना ऋषि को, देखो देखो पारी कर रहे हो क्या? इसका क्या नाम है रखा ऋषि ने, खुशी बुलाओ, बुला लो जोर से, कोई बात नहीं, देखो खुशी आपकी दीदी आई है, देखो आके बोले इसने दीदी को, देख नहीं।
तो आज है 16th November, व्यू यहाँ पे धूप सेक रही है, रशी और आरव यहाँ खेल रहे हैं। तो आज है 17th November, प्यू को बेचारी को दो मच्छर काट गए यहाँ पे और एक यहाँ पे मच्छर। दिखा भाई प्यू ने आज पिंक रंग पर पहना पहली बारी भाई। नींद नहीं आ रही भाई प्यू को। प्यू 22nd November, प्यू हमारी एक महीने की होगी रशी।